शहीद भाई तारू सिंह फाउंडेशन द्वारा 15वां सिख प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक किया गया, जिसका रविवार को फाइनल मुकाबला शहीद भाई तारू सिंह फाउंडेशन रायपुर और खालसा वॉरियर्स नांदेड़ के बीच SECRSA क्रिकेट ग्राउंड WRS में खेला गया। फाइनल मुकाबले में खालसा वॉरियर्स नांदेड़ ने 169 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे चेस करते हुए शहीद भाई तारू सिंह फाउंडेशन रायपुर ने 98 रनों से जीत दर्ज कर ली। वहीं इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव व ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बलदेव भाटिया भी शामिल हुए। श्री होरा ने इस आयोजन की सराहना करते हुए शहीद भाई तारू सिंह फाउंडेशन को सम्मानित किया। शहीद भाई तारू सिंह फाउंडेशन के 15वें सिख प्रीमियर लीग का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मुकाबला शहीद भाई तारू सिंह फाउंडेशन रायपुर और खालसा वॉरियर्स नांदेड़ के बीच WRS मैदान में खेला गया। फाइनल में खालसा वॉरियर्स नांदेड़ ने 169 रनों का लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करते हुए शहीद भाई तारू सिंह फाउंडेशन ने 98 रनों से मैच जीत लिया। इस मैच में शहीद भाई तारू सिंह फाउंडेशन के खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरचरण सिंह होरा और क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष बलदेव भाटिया भी शामिल हुए। अतिथियों ने आयोजन की सराहना और आयोजनकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा, इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ता है। ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों को अपने हुनर को निखारने का मौका मिलता है। इसके बाद दोनों अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग का 15 साल से लगातार आयोजन हो रहा है, सिख समाज की अनूठी पहल और पूरे देश से खिलाड़ी आते हैं। बहुत अच्छा आयोजन और मैं इस अवसर पे शहीद तारू सिंह कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सिख कौम में भाई तारू सिंह फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा काम है। जिस तरीके से इंडिया लेवल का ये टूर्नामेंट सिख बच्चों को, जो पूर्ण सिख है, उनका कराया जाता है, इस लेवल के जो टूर्नामेंट है वो रायपुर जगह जैसी जगह में होना नेशनल लेवल का, ये बड़ा फख्र का विषय है। और इसमें से हमारे काफ़ी बच्चे निकलते हैं जो आगे डिस्ट्रिक्स में और ओलंपिक में और अपना रणजी ट्रॉफी में आगे खेलने जा रहे हैं, और काफ़ी बच्चे इन्होंने डेवलप किए हैं और पैदा किए हैं। मैं तारू फाउंडेशन, भाई तारू सिंह फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं को, सारे पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इसमें 15 वर्ष हो चुके हैं और इसे निरंतर इसी तरह बनाए रखें और आपसी भाईचारे को और खेल को इसी तरह मजबूत करते रहें। मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं तारू भाई तारू सिंह जग्गी के फाउंडेशन के सभी सदस्यों को।